दूसरी बात, जो औरत के खास आयाम आते हैं शरीयत उन्होंने दिनों औरत को रोज़ा रखने की इजाजत भी नहीं देती, तो नमाज पढ़ने की इजाजत भी नहीं देती। इमाम साहब अर्ज करते हैं, हजूर दसो अहमियत नमाज की ज़्यादा या रोज़े की? इमाम साहब ने फरमाया कि नमाज की अहमियत ज़्यादा वो रोज़े की कम आ। फरमाया जे मैं अकल ना फैसला करता ना, वो जो दिन गुजरते ना ना औरत दे, उन्होंने दिनों दिया नमाजा माफ ना हो बल्कि रोज़े माफ होने चाहिए आ। मगर मैं ऐसा नहीं करता, नमाजा ही माफ है, रोज़े रखे जान। अगर उन्होंने दिनों च रोज़े छड़ ले औरत बाद च रखने पैणगे। रोज़ों की तादाद थोड़ी बनती है तो नमाजा की तादाद ज़्यादा बन जानी है। फरमाया मैं अकल तो फैसला करता नहीं। तीसरा मसला, इमाम आजम अबू हनीफा ने अर्ज की, हजूर जरा दसो इंसान का पेशाब ज्यादा पलीत है या मनी पलीत है? इमाम शाह ने फरमाया कि पेशाब ज्यादा पलीत है, मनी कम पलीत है। फरमाया कि अगर मेरी अकल का फैसला होंदा ना, तो इमाम आजम अबू हनीफा यह फतवा देंदा कि जिन्नी बार पेशाब करो उन्नी बार ही गुसल करो। मगर मैं ऐसा कहता नहीं। तिने गल्लां कीतियां, इमाम बाकर उठ के खड़े हो गए, इमाम आजम अबू हनीफा नूं सीने नाल ला लिया ते पेशानी दे बोसे लए। फरमाया नहीं, किसी ने गलत गल्लां कीतियां सन, अल्लाह ने ते तुहानूं अकल ही बड़ी दित्ती है, अल्लाह ने तुहानूं ज़हानत ही बड़ी दित्ती है, तुसीं ते ओह गल्लां कर रहे हो जिहड़ियां किसी दे शऊर विच भी नहीं है। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु